नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम जो विशेष चर्चा करने वाले हैं वो है आपके बालों पर, यानी कि आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आपको लगता है कि आपके सिर में बहुत सारी परेशानी है, तो इन सब का कारण ग्रह होते हैं। तो कौन से ग्रह कमजोर होने पे आपके बाल झड़ते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के हल भी देंगे। तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। शो की शुरुआत करते हैं, चूंकि आज बुधवार है तो पंडित जी बुधवार विशेष शुभ संयोग के साथ ये शुरुआत करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी भगवान का आशीर्वाद और कपिलवस्तु हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली के किन ग्रहों की वजह से क्यों और कैसे झड़ते हैं आपके बाल, क्यों आता है गंजापन। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा और जो उपाय बताऊं वो करते जाइएगा तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज का शुभ संयोग। आज बुधवार का दिन है, दिनांक 26 फरवरी 2020, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज भगवान गणेश जी के बाल स्वरूप का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा। बाल गणपति भगवान शिव मां पार्वती की गोद में होते हैं। भोलेनाथ की जटा से निकली गंगा के जल से खेलते हुए नजर आते हैं। आज के दिन भगवान बाल गणेश के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिल सकता है वर्षों से सूनी गोद को संतान सुख। बाल गणपति की पूजा से मिल सकती है संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति। बाल गणपति की पूजा से मंदबुद्धि बच्चे भी बन सकते हैं बुद्धिमान। चलिए, तो बाल गणपति की आपको पूजा करनी है और किस तरह ये पूजा करना आपके लिए लाभदायक होगा ये हमने आपको बताया। तो पंडित जी, आगे ये भी जानेंगे कि अगर हमारे बाल बहुत झड़ते हैं, बालों की बहुत समस्या है, तो किन ग्रहों के कारण हो रही है और क्या कुछ उपाय हमें करना है। लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं। हमारे पहले कॉलर गोपाल जोधपुर से जुड़ गए हैं। गोपाल, 29 सितंबर 1985 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। गोपाल बताएं सवाल क्या है और समय है तो समय भी दीजिए। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरे 2 साल है दोनों की जन्मपत्री, 2 लड़कियों से मिलवानी थी। मिलान करानी है? हाँ जी, मांगत और गुण। तो एक तो ये है, दिलीप नाम है इसका। लड़के की बोले डेट ऑफ बर्थ? ये 29 सितंबर 1985। समय? समय 7:29 शाम का। लड़की की बोले? लड़की की है 12 नवंबर 1985। बारह नवंबर 1985। समय 4:50 PM। जी देखिए, जहां तक पहली कुंडली है इसमें तो मात्र 5 गुण ही मिलते हैं। इसके अंदर नाड़ी दोष भी है, भ्रकुट दोष भी है, गण दोष भी है, इसलिए ये मिलान किसी भी तरीके से उचित मिलान नहीं है। चलिए गोपाल जी, आपके सवाल का जवाब तो पंडित जी ने दे दिया। आनंद जी का कॉल लेते हैं। पंडित जी, ये भीलवाड़ा से जुड़ गए हैं और 13 जुलाई 1991 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है, समय है तो समय बताएं और फिर सवाल कीजिए। 2:15 दिन में। 2:15 दिन में प्रश्न पूछिए। जॉब नहीं लग पा रही है और मैं एक संगठन का शुरुआत कर रहा हूँ, तो क्या करनी चाहिए? किस चीज का? एक सामाजिक संगठन है सर, राजस्थान परिवर्तन संघ के नाम से। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में वैसे अगर देखा जाए तो गज केसरी योग है, चंद्र गुरु और गुरु भी उच्च का होके बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी में भी आप कलेक्टर बन सकते हैं, बड़े अफसर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में भी राहु का अंतर है, इसलिए अड़चन रुकावट है। अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं आपके माता पिता ने गण
मूल की शांति कराई होगी, यदि नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा, और आप संगठन भी खोलिए और आप कंपटीशन की तैयारी बराबर करते रहिए, रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जी तो आनंद जी, आपके सवाल का जवाब भी पंडित जी ने दे दिया है। मुकेश जी का कॉल लेते हैं, अलवर से ये जुड़ गए हैं, 22 जनवरी 1997। मुकेश जी, समय बताएं और समय के साथ ही आप अपना प्रश्न भी पंडित जी से पूछ सकते हैं। 22 जनवरी 1997 समय है रात्रि 10:10। प्रश्न पूछे। गुरु जी, बेटे ने ऑफिस खोल लिया और काम अब आगे कैसे चलेगा? सीए का ऑफिस खोला था अभी 4 महीने पहले। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, उतरती हुई शनि की महादशा, 19 साल की शनि की महादशा इस बच्चे को चल रही है बचपन से ही 2002 से, और अक्टूबर 2021 में ठीक 1.5 साल बाद में शनि की महादशा उतर जाएगी। अभी शनि की महादशा गुरु का अंतर चल रहा है, गुरु इसके कुंडली के अंदर नीच का होकर बैठा है, इसलिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन उसके पश्चात बुध की महादशा शुरू होगी अक्टूबर 2021 से, डेट विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। साल भर थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, बाकी इसको बोलिए निश्चिंत रहें और बुधवार को गणपति के दर्शन करें, घर में केले का पौधा रखें, केले के पौधे की गुरुवार के दिन पूजा अर्चना करें, दीपक करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम हरिये नमः, इन मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें, और बच्चे का करियर बहुत अच्छा है लेकिन सफलता 1 साल पश्चात में मिलेगी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान जानना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और चूंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके बालों की, यानी आपके बाल जो हैं वो ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं तो हो सकता है आपके ग्रह भी कमज़ोर होंगे, मजबूत हैं तो ग्रह भी मजबूत होंगे, लेकिन ये कौन से ग्रह होते हैं और कैसे हमें पता चलेगा और इसका उपाय क्या है, ये आज हम पंडित जी से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी इस विशेष चर्चा की। दोस्तों, क्या आपके बाल समय से पहले झड़ने लग गए हैं? क्या आपको लगता है कि आप गंजेपन के शिकार होते जा रहे हैं? क्या बालों में कंघी करते समय आपके बालों के गुच्छे टूटकर निकलते हैं? क्या आपके बालों की अच्छी रख रखाव, अच्छे खान पान के बावजूद भी आपके बाल जो हैं वो झड़ रहे हैं? यदि हाँ, तो आपकी अच्छी सेहत, धन लक्ष्मी और चिंता मुक्त जीवन के बावजूद भी आपके बालों के झड़ने की वजह हो सकती है, आपके गंजेपन की वजह हो सकती है आपकी कुंडली के ग्रहों की आपके विरुद्ध चाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कुंडली के ग्रहों में राहु, केतु, शनि अगर मजबूत हैं तो आपके बाल भी मजबूत हैं। आपके बालों का, आपके हेयर का सीधा संबंध राहु केतु शनि से है। आइए आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में हम जानते हैं, हम बात करते हैं आपकी कुंडली के किन ग्रहों की वजह से क्यों और कैसे झड़ते हैं आपके बाल, कैसे बचे ग्रहों के बुरे प्रभाव से। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, कॉमन प्रॉब्लम है सभी की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि बालों पर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हम पर राहु और अन्य ग्रहों का असर है या नहीं। तो जिन लोगों के बाल सामने की तरफ से झड़ रहे हैं, देखा होगा कि फ्रंट में से बाल झड़ने लग जाते हैं, पीछे फिर भी रहते हैं लेकिन फ्रंट में से सामने से बाल झड़ने लग जाते हैं और समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, पक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके ऊपर राहु का प्रबल असर है। यदि आप फ्रंट से आप गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, आपके बाल जो हैं आगे के बहुत झड़ने लग गए हैं। और दूसरा, जिनके सिर में थोड़े थोड़े समय में बालों के अंदर फोड़े फुंसियां होने लगती हैं, तो भी निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके ऊपर ये फोड़े फुंसी ऐसे ही नहीं हो रहे, ये आपके ग्रहों की आपके विरुद्ध चाल है, राहु की आपके विरुद्ध चाल है, उसका असर है। और जिन लोगों के, महिलाओं के, पुरुषों के सिर में, बच्चों के सिर में हमेशा डैंड्रफ बना रहता हो, तो भी निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिनके डैंड्रफ रहता है उनके ऊपर राहु की चाल का असर है। और यही नहीं, जिनके सिर से खुजली करने पर, कई बार जैसे हम सिर में खुजली करते हैं और खुजली करते हैं तो हमारे नाखूनों में सिर की गंदगी आने लगती है,
तो भी मान के चलिए कि आपके ऊपर राहु का नेगेटिव असर है, नकारात्मक असर है। ये कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपका राहु मजबूत है या आपके विरुद्ध चाल चल रहा है। चलिए, तो ये तो पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई, यानी कि अगर आपके बालों में फुंसी हो रही है या बाल बहुत झड़ते हैं, समय से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, तो ये सभी कारण ये हैं कि आपका जो राहु है वो कमज़ोर है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी कॉल ले लेते हैं। और कॉलर हमारे साथ दलजीत अजमेर से जुड़ गए हैं, जो 23 अक्टूबर 1999 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। दलजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका, समय है तो समय बताएं और फिर सवाल कीजिए। समय सुबह 8:45 का है मैम जी। प्रश्न पूछिए बेटा। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। पंडित जी, ये मेरे बेटे को इसके करियर के बारे में पूछना है। ये इसको गुस्सा बहुत आता है एक तो, और दूसरा क्या ये किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि कब तक उससे पीछा छूटेगा। ये बहुत छोटा है, पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं देता है ये। देखिए बेटा, अभी इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बुध की मादशा और गुरु का अंतर चल रहा है वैसे तो, लेकिन इसके कुंडली में शनि नीच का है और सूर्य भी नीच का है, और सूर्य नीच का होकर द्वादश भाव में बैठा है। व्यर्थ का अपमान, अपयश, गलत संगत, कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा सब करवाता है। यदि आपने इस बच्चे को नहीं संभाला तो इसको आने वाले समय में जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके ऐसे ग्रह जो हैं वो ऐसे खराब ग्रह हैं जिनके कारण ये भटक रहा है। एक सरल सा मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः, ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः। बच्चे की फ़ोटो हाथ में लेना, एक लॉन्ग उस फोटो के ऊपर रखना, 15 मिनट तक ओम दुर्गुण विमोचनाय नमः मंत्र का जाप करना, और वो लॉन्ग चाय में सब्जी में मिलाकर इस बच्चे को खिलाना शुरू करें। इस प्रार्थना के साथ में जो भी अवगुण हैं वो दूर जाएं। 40 दिन कीजिए, इसके सुधार होता हुआ दिखाई देगा, उस लड़की से भी पीछा छूट जाएगा और इसका पढ़ाई में शिक्षा में मन भी लगेगा जी। अपन नीचे आगे ओम प्रकाश जी का कॉल लेते हैं, और ये हमारे साथ जुड़ गए हैं रतनगढ़ से, 9 सितंबर 1989 डेट ऑफ बर्थ। ओम प्रकाश जी, समय बताएं और फिर सवाल कीजिए। ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं, और चूंकि आज हम जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि बालों से कैसे पता चले कि ग्रह कौन से कमजोर हैं और उनको ठीक भी करना है, तो कैसे और कारण हो सकते हैं या किस तरह से हम जान सकते हैं? जी बिल्कुल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर बात है वो भी जानने वाली बात है। राशि के अनुसार अगर आपके बाल झड़ते हैं तो किन राशि वालों को सबसे ज़्यादा बाल झड़ने की जो समस्या है उसका सामना करना पड़ता है? यदि आपकी मेष राशि है, यदि आपकी सिंह राशि है, यदि आप तुला राशि के हैं, यदि आप धनु राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं या लग्न वाले हैं, मेष, सिंह, तुला, धनु या कुंभ लग्न वाले हों या राशि वाले हों, ऐसे लोगों के बालों के गिरने की समस्या अक्सर बनी रहती है और दूसरों से अधिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है बालों के झड़ने का। वहीं शनि की कुदृष्टि, यदि आपके जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की मादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, अष्टम ढैया चल रही है, शनि की कुदृष्टि है, शनि नीच का है, तो भी असमय गंजापन आना शुरू हो जाता है। बालों में कम उम्र में ही सफेदी आनी शुरू हो जाती है, बालों में एक अजीब सा रूखापन आने लग जाता है और जवानी की अवस्था में ही प्रौढ़ अवस्था जैसा दिखाई देने लगता है। जवानी में ऐसा लगता है जैसे बुढ़ापा आ गया हो, अगर शनि की कुदृष्टि है तो। वहीं यदि राहु की कुदृष्टि हो, राहु जन्म कुंडली के अंदर नीच का हो, चंडाल योग बना के बैठा हो, अंगारक योग बना के बैठा हो, तो बालों के अंदर रूसी की समस्या रहती है। सिर में फोड़े फुंसी आदि बीमारियों से बाल भी सड़ने लगता है और सिर भी सड़ने लगता है यदि राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ी है। वहीं राहु की खराब चाल से, नेगेटिव उसकी चाल से जो है सिर के जो बाल हैं किसी भी हिस्से से पेच या गोलाई में, मतलब चाहे बीच में से देखें या पीछे से देखें, आपने देखा होगा पीछे से लोग बालों का जो पीछे का चोटी साइड जहां बांधते हैं वहां का जो हिस्सा बड़ा गंजापन आ जाता है, एक ही हिस्से में, आगे पीछे ठीक रहते हैं लेकिन पीछे से गंजा होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? राहु खराब है।
तो पेच या गोलाई में गुच्छे के रूप में बाल झड़ने लगते हैं या उतना हिस्सा गंजा ही हो जाता है। वहीं यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा अधिक पीड़ित है, राहु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, केतु चंद्रमा का ग्रहण योग है, सूर्य चंद्रमा की युति बनी हुई है, तो भी निश्चित तौर पर बाल जो है चोटी की तरफ से पीछे की तरफ से गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, यानी कि चांद दिखाई देने लग जाता है। ये खोपड़ी के अंदर बालों के अंदर चांद दिखाई देने लग जाता है, ऐसे बाल झड़ने लग जाते हैं, गोलाई वाला पेच बन जाता है यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित है या नेगेटिव है। वही अगर आपका सूर्य खराब है, सूर्य नीच का है, राहु सूर्य का ग्रहण योग बना हुआ है, सूर्य चंद्रमा की युति है, खराब सूर्य की स्थिति के अंदर भी आपके माथे में से अर्थात सिर में से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और माथा जो है वो बिल्कुल चौड़ा होता चला जाता है, बगैर बालों के उसमें बालों की जो संख्या है वो लगभग गिनी चुनी रह जाती है, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में मौजूद है तो। तो ये कुछ ग्रह हैं, अगर ये खराब स्थिति में होते हैं तो आपके जो समस्याएं हैं, बालों की समस्याएं हो, झड़ने की समस्या हो, फोड़े फुंसी हो, ये होने लगते हैं और ये आपको संकेत देते हैं कि किस तरह से आपके ग्रह कमज़ोर हैं, इनको सही करना ज़रूरी है। लेकिन अगर राहु आपका खराब है तो इसको कैसे सही करना है, क्या कुछ ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपकी समस्याओं के हल भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं आपके ग्रहों की, कैसे आप अपने बालों के झड़ने से अपने ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। तो कुछ संकेत तो हमने आपको बता दिए कि अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, तो ये सब कारण हैं आपके ग्रहों के कमज़ोर होने का। और कौन से ग्रह कमज़ोर हैं ये भी बता दिया, लेकिन इस पर आगे चर्चा करेंगे कि राहु अगर आपका कमज़ोर है, जैसा कि पंडित जी आपने हमें बताया, तो उसके लिए हम क्या ध्यान रखें उसका, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले उदयलाल जी जुड़ गए हैं, उनका कॉल लेते हैं चित्तौड़गढ़ से। उदयलाल जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं डेट ऑफ बर्थ और फिर सवाल। जन्म तारीख 11 प्रश्न पूछिए बेटा। जन्म तारीख 11 प्रश्न पूछिए आप। सवाल क्या है उदयलाल जी आपका? सवाल ये है सर, धंधा पानी नहीं चलता है, काम काज बिल्कुल नहीं चलता है। देखिए उदयलाल जी, प्रश्न कुंडली आपकी ये कहती है कि आपकी कुंडली के अंदर सर्प दोष है, जिसके कारण आपके हर काम में आपको रुकावट आती है, अड़चन आती है। तो रविवार के दिन वाइट उड़द दाल, सफ़ेद उड़द दाल को भिगोकर उसके 11-21 बड़े तलवाइए, उड़द की दाल के बड़े तलवाइए, पकौड़ी जैसे, हर बड़े के ऊपर एक एक लौंग लगाकर मछलियों को खिलाइए। आपके चित्तौड़ में गंभीरी नदी है, वहाँ पर खिलाइए, हर रविवार को मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाइए, 11 रविवार कीजिए, आपका काम धंधा चलने लग जाएगा जी। और आगे हरसुखप्रीत जी पंजाब से जुड़ गए हैं,
19 जुलाई 1996। बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षुक जी, बताएं सवाल क्या है और समय है तो समय भी दीजिए। हेलो मैडम जी, अपने मेरा जी एकरी का रही बाहर गई है हर्षुक जी। आपका समय है क्या, जन्म समय है क्या? 9:10 सुबह जी, सुबह 9:04 प्रश्न 9:10 के साथ। देखिए जहाँ तक इसका सवाल है बच्चे की जन्म कुंडली का, निश्चित तौर पे ये NRI बनेगा, विदेश में सेटल होगा। ये मघा नक्षत्र का जन्म है, आशा करते हैं कि गणमूल नक्षत्र की शांति करवाई होगी पैदा होते ही, यदि नहीं करवाई है तो करवा लीजिएगा। इसके बाहर विदेश का योग बनेगा अगले वर्ष सितंबर 2021 के पश्चात में ये विदेश जाएगा और परमानेंटली NRI बन के रहेगा। बाकी इसकी जन्म कुंडली अच्छी, किसी तरह का कोई दोष नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रह के पढ़ाई करे, कंपटीशन दे तो सरकारी अफसर भी बन सकता है और विदेश जाना चाहे तो विदेश में भी सेटल हो सकता है जी। और पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि आपने हमें ये तो बताया कि राहु का प्रभाव कितना बुरा हो सकता है या कैसे संकेत देता है, लेकिन इन प्रभावों से अगर हमें बचना हो तो हम क्या कुछ उपाय करें? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रह आपके विरुद्ध चाल तो चल रहे हैं, अब उस विरुद्ध चाल को रोका कैसे जाए। तो आपके बालों के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पे हमारे वो बच्चे जो अपने बाल खड़े रखते हों, जो बच्चे या जिन पुरुषों के बाल खड़े रहते हों, उनके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। आप हो जाइए सावधान। क्या आप जानते हैं कि जो बाल खड़े होते हैं, खड़े बाल से आपके जीवन में राहु जो है वो आपसे कुपित हो जाता है, राहु नाराज हो जाता है। अपने बालों को सिंपल और साफ हेयर स्टाइल दें, यदि राहु की कुदृष्टि से आपको बचना है तो खड़े बाल बिल्कुल नहीं रखने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। वहीं जिन लोगों के बाल गंदे रहते हो, बालों में डेंड्रफ और सर में फोड़े फुंसी होती हो, उन पर भी राहु बिगड़ जाता है। इसलिए अपने बालों की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दाढ़ी रखना, शेविंग रखना कोई बुरा नहीं माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो आजकल बच्चे तो यंगस्टर तो बहुत दाढ़ी रखते हैं, पर बहुत लंबी दाढ़ी, दाढ़ी के अंदर डेंड्रफ, दाढ़ी में गंदगी, इससे भी राहु कुपित हो जाता है। तो आपके चेहरे के ऊपर जो बाल है, चाहे वो आपके दाढ़ी के रूप में क्यों नहीं हो, उनको बिल्कुल साफ सुथरा रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। राहु के प्रकोप से बचने के लिए अपने बालों की सफाई के साथ साथ आप जिस टॉयलेट को यूज करते हैं, वॉशरूम को जो यूज करते हैं, उस वॉशरूम की सफाई पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अपने टॉयलेट को, अपने वॉशरूम को गंदा ना रखें और दूसरों पर सफाई के लिए निर्भर न रहें। और यदि आपके बाल नहाते समय बालों के झुंड टूटकर गिरते हों तो बालों को संभाल के डस्टबिन में डाल दें अपने हाथ से। वहीं फटे हुए कपड़े पहनना या फटे हुए अंडरगारमेंट पहनना, ये भी एक कारण बनता है ग्रहों का कुपित होने का, ग्रहों का विरुद्ध चाल चलने का। तो फटे हुए कपड़े, फटे हुए अंडरगारमेंट्स बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। आप सभी दर्शक इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो ये तो कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो जरूर आप पर जो राहु का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। आगे पंडित जी बढ़ते हैं और कविता जी का कॉल लेते हैं, भीलवाड़ा से ये जुड़ गई हैं। 31 दिसंबर 1972 डेट ऑफ बर्थ। कविता, समय है तो समय दीजिए और फिर सवाल कीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मुझे टाइम तो पता नहीं है। हाँ, प्रश्न पूछो। हाँ, तबियत ठीक नहीं रहती है, कुछ ना कुछ मतलब दर्द रहता है। और देखो बेटा, एक तो पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से आप जलाओ घर के अंदर, जा पानी का मटका भरते हो रसोई में, वहाँ पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाओ। आपकी कुंडली में पितृदोष है, अमावस को पितरों का भोग दो, उसके साथ साथ में सोते समय सिर पूरब दिशा के अंदर रखो और गद्दे के नीचे, सिराने के साइड में गद्दे के नीचे एक चक्कू और कुछ गेहूँ के दाने खुले रूप में आप रखिए। साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए, निश्चित तौर पर आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
तो आपकी समस्याएं तो बहुत सारी हैं और उन्हीं समस्याओं के बहुत सारे सरल से उपाय भी हम आपके लिए लेकर आते हैं, और साथ ही ये विशेष चर्चा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। तो अगर आपके भी बाल बहुत झड़ते हैं या आपको बालों की समस्या है, आप चाहते हैं कि राहु का प्रभाव आप पर कम हो जाए, तो ये कुछ सरल से उपाय थे जो उपाय आप कीजिएगा और इन संकेतों का भी ध्यान रखिएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और उनका समाधान अगर आप चाहते हैं तो आप सोमवार से गुरुवार हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।